24 दिन गुरुवार को आप सभी का स्वागत है हमारे शो अजय एस्ट्रो मनी गुरु में। नमस्कार, मैं काव्या जैन आपको अपडेट करने के लिए लेकर आ गई हूँ आज की नई जानकारी। अगर आपने अभी तक हमारे शो को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप फर्दर डिटेल व रिसर्च रिपोर्ट के लिए हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो कॉल कर सकते हैं 9414056705 या 9887056704 पर। आज के शो में बात करेंगे खाद्य तेलों के कारोबार में आई कमजोरी और साथ ही अरंडी तेल में आई गिरावट के ऊपर। पूरी खबर जानने के लिए मेरे साथ आखिर तक बनी रहिएगा। ग्राहक की समर्थन न मिलने के कारण स्थानीय बाजार में सरसों तेल के भाव घटकर 50 रुपए प्रति क्विंटल हो गए। अरंडी तेल में भी उठाव न होने से गिरावट का रुख रहा। सरसों तेल एक्सपेलर के भाव 50 रुपए कमजोर होकर 11,150 रुपए प्रति क्विंटल रह गए। लॉरेंस रोड पर मांग के अभाव में सरसों के भाव 5,750 से 5,800 रुपए प्रति क्विंटल बोले गए। सरसों की आवक देश की विभिन्न मंडियों में 6.75 लाख बोरी के लगभग रही। जयपुर के अंदर 42% कंडीशन सरसों के भाव 6,025 रुपए प्रति क्विंटल पर सुस्त रहे। आयातकों की बिकवाली आने तथा मांग कमजोर होने से कांधला में सोया रिफाइंड के दाम 9,200 रुपए तथा आरडीवी के भाव 9,900 रुपए प्रति क्विंटल पर बने रहे। यहां भी उठाव होने से सोयाबीन रिफाइंड के भाव 10,000 रुपए प्रति क्विंटल बोले गए। केएलसी में सीपीओ वायदा बंद होने से कारोबार कमजोर रहा। वनस्पति घी निर्माताओं की मांग कमजोर होने तथा आयातकों की बिकवाली से कांधला में सीपीओ के भाव 8,350 से घटकर 8,280 रुपए प्रति क्विंटल रह गए। गर्मी बढ़ने के कारण भी खाद्य तेलों की मांग कमजोर बनी हुई है। पेंट निर्माताओं की मांग कमजोर होने से अरंडी तेल के भाव 100 रुपए घटकर 1,1700 से 1,1800 रुपए प्रति क्विंटल रह गए। राइस फैटी में उठाव न होने से 7,350 से 7,400 रुपए प्रति क्विंटल पर स्थिर रहे, जबकि आपूर्ति कमजोर होने के कारण क्रूड ऑयल के भाव 50 रुपए तेज होकर 5,900 से 5,950 रुपए प्रति क्विंटल हो गए। पशु आहार वालों के मांग निकलने तथा मांग कमजोर होने से सरसों खल के भाव 50 रुपए बढ़कर 2,800 से 3,100 रुपए प्रति क्विंटल हो गए। बिनौला खल के भाव सीमित बिकवाली के कारण 3,300 से 3,550 रुपए प्रति क्विंटल बोले गए। आज का शो यही समाप्त होता है। ध्यान दें कि शो में दिए गए सभी भाव व आंकड़े विश्वसनीय सूत्रों से एकत्र किए गए हैं। फिर भी कोई भी व्यापारिक निर्णय लेने से पहले आप स्वयं उसकी जांच कर लें, और कोई भी निर्णय लेने से पहले आप अपने वित्तीय सलाहकार से भी सलाह ले सकते हैं। ये सभी जानकारियां आपको अनुसंधान और शिक्षण के लिए दी जा रही हैं। किसी भी प्रकार के लाभ और हानि की जिम्मेदारी हमारा चैनल नहीं ले